निर्वाचन प्रचार करिबो रोबोट दूत। कोरोना स्थिति को देखि 2022 निर्वाचनी प्रचार हेबो नुआ ढंगरे। निर्वाचन रे राजनीतिक नेता तरफ प्रचार करी पारे ह्यूमानोइड रोबोट। वन स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एक दूत रोबोट। देश में कोरोना स्थिति संगीन थिबारु जनसमावेश भरी परिस्थिति तीव्र विपद सृष्टि करी पारे। एहाकु दृष्टि रे रखी आसंत 2022 निर्वाचनी प्रचार एक नुआ ढंगरे करा जिवो। 2022 विधानसभा निर्वाचन रे राजनैतिक नेता तरफ प्रचार करी पारे ह्यूमानोइड रोबोट। वन स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एही उद्देश्य रे दूत नामक एक मानविक रोबोट विकसित करिछि, जहां उत्कृष्ट स्वर चिन्हिबा, चेहरा चिन्हिबा एवं अंगभंगी सहित मनुष्यर भावना को बुझिबा और जोगाजोग करि पारिबो। एही रोबोट गुड़िक आसंता वर्ष विधानसभा निर्वाचन पर प्रचार करुथिबार देखिबा को मिलि पारे एवं कंपनी अनुजाई आसंता वर्ष राज्य निर्वाचन पर रोबोट प्रचारक मानू नियोजित करने संपृक्त राजनीतिक दल सह आलोचना कर। 2022 मसीह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात में निर्वाचन होगा। गत एप्रिल तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन एक नुआ दल IMMK तरफ प्रथम थर प्रचार पर एक ह्यूमानोइड रोबोट प्रस्तुत कर। डोजी नामक एक 4 फुट रोबोट पार्टी प्रतीक मध्य थिला। तेबे वर्तमान महामारी मध्य जदि रोबोट कार्यक्षम हो पारे तेबे कोरोनार उचित गाइडलाइन मध्य बिना कौनसी भय निर्वाचन प्रचार कार्य करा जाई पारिबो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम भॉइस माध्यम रे एही ह्यूमानोइड रोबोट जनसाधारण को संबोधित करिबो। यार मुंड उपरे लागिथिबा एचडी कैमेरा सामने लोकमानक छवि को मेमोरी रे स्टोर कर रखि पार। आवश्यक हेले एहा निजकु 140 डिग्री मोड़ी पार और गतिपथ बदल पार बोली प्रस्तुतकारी कंपनी तरफ कहुरो। रिपोर्ट अगस्ट न्यूज।